दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नाशपाती बागान लातेहार पर्यटन स्थल। आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत विशाल क्षेत्र में ये नाशपाती का बागान लगाया गया है। अब इसमें कितने पेड़ होंगे, लाखों पेड़ हो सकते हैं दोस्तों इधर। और आप इधर भी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा एरिया में जो है नाशपाती का बागान लगाया गया है। और दोस्तों यहाँ तो आप जहाँ भी देखेंगे नाशपाती का पेड़ दिखाई देता है, लेकिन ये सबसे बड़ा और ख़ास बागान है जिसको लोग देखने आते हैं। इसे पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया गया है और लोग इसे देखने आते हैं दोस्तों, इसकी खूबसूरती को, इसकी सुंदरता को। हालांकि अभी ये फल का सीजन नहीं है, हमें यहाँ फल दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ये फल का सीजन ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। लेकिन यहाँ अंदर में हम लोग देखे कुछ कर्मचारी अभी भी इसकी साफ सफाई में काम करने में लगे हुए हैं दोस्तों। इधर का बागान को भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र में ये बागान है दोस्तों, बिल्कुल देख सकते हैं। और ऊपर लगता है इस बागान का ऑफिस वगैरह कुछ होगा, ऐसा महसूस हो रहा है। अब जो भी होगा दोस्तों, तो दोस्तों ये बागान मैंने आपको दिखाया, अब इसके बाद हम अगला वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। इधर भी देख सकते हैं दोस्तों, उस पार भी आपको नाशपाती दिखाई दे रहा है। इस एरिया पूरा नाशपाती के एरिया है दोस्तों, यहाँ काफ़ी मात्रा में नाशपाती पैदा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला स्थान में हम लोग चलते हैं और वहाँ का नज़ारा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब कोयल व्यू में क्या है हमें नहीं पता दोस्तों, हम आ रहे हैं, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, क्या व्यू दिखता है यहाँ से। नाम तो है कोयल व्यू। स्वर्ग की रानी नेत्रहाट। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नेत्रहाट के कोयल व्यू पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत लगता है दोस्तों, इसीलिए इसे कहते हैं स्वर्ग की रानी नेत्रहाट। दोस्तों आप देखते हैं बिल्कुल यहाँ का जो नजारा है वो बहुत ही गजब का सुंदर है दोस्तों। वो आगे जो आप देख रहे हैं वो कोयल नदी है और उसी के नाम से दोस्तों इस जगह का नाम को कोयल व्यू रखा गया है। यहाँ से आप कोयल नदी को साफ साफ देख सकते हैं। और उसके अलावा भी दोस्तों इधर जो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है पाइन ट्री की खूबसूरती देखिए दोस्तों, कितना गजब का लग रहा है। इधर पूरा जंगल में पाइन ट्री लगा हुआ है, ये प्राकृतिक रूप से उगा हुआ ये पेड़ है दोस्तों, इसे किसी ने नहीं उगाया है। मैं आपको पीछे इधर भी दिखाता हूँ दोस्तों, इधर दिखाता हूँ, ये देखिए इधर भी पूरा पाइन ट्री यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ का व्यू दोस्तों बिल्कुल देखने लायक होता है। और इधर मेरी तरफ देखिए, इधर इस तरफ का भी व्यू देखिए ये पाइन ट्री कितना खूबसूरत लग रहा है। काफी बड़ा ये जंगल है दोस्तों पाइन ट्री का। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ बहुत सारे लोग दोस्तों वो देखने आए हैं इस जगह को। तो दोस्तों इस जगह का मैं नज़ारा जो आपको दिखाया दोस्तों, ये काफ़ी है दोस्तों। आप जब भी यहाँ पर आइए, कोयल व्यू जरूर आइए दोस्तों। इसे क्यों कहा जाता है स्वर्ग की रानी नेत्रहाट, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।